गोंडा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अजय मावा लगातार अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा रहे हैं और क्षेत्रवासियों को नई नई सौगातें दे रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक अजय मावा ने गोंडा विधानसभा क्षेत्र के जयप्रकाश नगर की 3 गलियों का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से विधायक अजय मावा नारियल फोड़कर गलियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के लोगों ने विधायक अजय मावर का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। क्या कुछ कहना था अजय मावर और क्षेत्र के लोगों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गोंडा विधानसभा में विकास की गंगा जारी है। पिछले एक महीने में 3 से 4 करोड़ की योजना का शुभारम्भ हो चुका है। आज फिर इस कड़ी में 5 दिन के लिए 5 दिन का हमने 2 करोड़ से ज्यादा का शिलान्यास कर रखा है। आज सोमवार है, हमने 3 गलियों का एच ब्लॉक की 10 नंबर जहां हम खड़े हैं, 13 नंबर और एल ब्लॉक की 6 नंबर 27.5 लाख की लागत से इन 3 गलियों का निर्माण कार्य हो रहा है। इसके अलावा कल साउथ गावड़ी एक्सटेंशन में 7 गलियों का होगा, परसों उस्मानपुर में एक जिम और लाइब्रेरी का होगा, उससे अगले दिन सुदामापुरी की 5 गलियों का होगा। यानी निरंतर विकास की गंगा जारी है। राष्ट्र धर्म और डेवलपमेंट, स्किल एंड स्पीड, इन सारी चीजों का समायोजन करके हम काम कर रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज मैं इन 3 गलियों के जयप्रकाश नगर के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छी गुणवत्ता से बनवाए और कहीं भी दिक्कत आए तो मुझसे बात करें, आपस में सहयोग करें अधिकारियों को भी, जिससे कि आपकी अच्छी गुणवत्ता से गली बन सके। भैया आने वाले टाइम में पूरा सहयोग विधायक जी को और हमारी जितनी यूथ है वो पूरी विधायक जी के साथ है। जिस हिसाब से विधायक जी कार्यक्रम हो रहे हैं, मुझे देखकर लगता है कि ये प्रचंड जीत होने वाली है। गामनी रोड का जिस तरह से निर्माण हुआ है, रोड की हालत बहुत खराब थी, बहुत अच्छे हुए। जो हमारी गली नंबर 10 है एच ब्लॉक की, इसकी भी हालत काफी खराब हो गई थी और मैंने विधायक जी को कहा था, विधायक जी ने एक ही बारी में मेरी मानी और मेरी गलियों का निर्माण कार्य करवा दिया। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाले चुनावों में मैं उनके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। ये हमारी गलियों का शिलान्यास अजय मावर, विधायक अजय मावर जी ने किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं और वो हमारी सुनते हैं, हम उनकी भी सुनेंगे और आगे चुनाव में हम पूरे तरीके से समर्थन करेंगे तन मन धन से। आज के विधायक अजय मावर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी समस्याओं को सुनते हुए और आज इन गलियों का उद्घाटन किया। हम इनके बहुत ही आभारी हैं और हमेशा उनसे यही आशीर्वाद लेते रहेंगे कि हमारी गली आस पड़ोस के मोहल्ले का जितना विकास ये ध्यान से करते हैं, उसी हिसाब से हम भी आने वाले चुनाव में तन मन धन से इनका पूरा सहयोग करेंगे। जय भारत। मैं सबसे पहले अपने विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी कहने से, हमारी प्रार्थना सुनने से अपना टाइम निकाला और हमारी गलियों का उद्घाटन के लिए आए। आज इन्हीं की मेहरबानी है, जो हमारी बेकार गलियां हैं, जो चलना गलियां नहीं है, उन गलियों को बनाया जा रहा है। मैं विधायक जी का बड़े दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी कृपा आपने बनाई है, ऐसी कृपा हम आपको बनाए रखे हैं और हमारा पूरे क्षेत्र का सहयोग आपको मिलता रहेगा। जैसा सहयोग आपका मिला है, ऐसा योग हमें भी आपको मिला है। हम भी अपने गणित सच्चे विधायक जी चुनाव के अंदर आपको पूर्ण रूप से तन मन धन से यहाँ से विजय कर भेजेंगे, ये हमारा संकल्प है। जय श्री राम। एक बहुत ही मूलभूत सुविधा, जो 15 सालों से जब से यहाँ पर पानी की लाइन डली है, तब से पानी की लाइन चेंज नहीं थी। यहाँ गंदा पानी लोग पीते थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। विधायक जी के संज्ञान में जब हम लोगों ने ये बताया कि भाई गंदा पानी जो आ रहा है, तो उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया। जबकि हमारी हम विपक्ष में बैठे उसके बावजूद भी इन्होंने प्रयास किया, जल बोर्ड के माध्यम से जो यहाँ पर पानी की पाइपलाइन बदलवाई है एच ब्लॉक जयप्रकाश नगर की, उसके माध्यम से आज पूरे एच ब्लॉक जयप्रकाश नगर के अंदर ऐसा दूध जैसा सफेद पानी और इतना एक मंजिल बिना मोटर के प्रेशर से आता है। हम उसके लिए भी पूरा एच ब्लॉक जयप्रकाश नगर उनको अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।